हे एवरीवन, मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाई SJS। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो कोकोनट हलवा की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हलवा बनाने के लिए 3 पका हुआ आम लिए हुए हैं। आप आम किसी भी वैरायटी का ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि आम मीठा होना चाहिए। तो यहाँ टोटल 3 आम ली हूँ। इसके गुदे को निकाल ली हूँ, छिलके को रिमूव कर करके, जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 1.5 कप मैंगो पल्प चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। आप मेजरमेंट के लिए परेशान ना होइएगा, कोई भी घर की कटोरी कप सेट कर लीजिएगा, उसी से मेजरमेंट करिएगा। 1/2 कप दूध की मलाई है, ये घर के दूध की मलाई है। अगर मलाई ना डालना चाहें तो आप यहाँ पर फ्रेश अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी में 1/2 कप। और यहाँ पर 1 कप चीनी लिए हुए हैं। तो मीठा आपका आम कितना है उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आम मीठा था इसलिए 1 कप यहाँ चीनी डाल करके बिना दूध बिना पानी का इसको पीस ली हूँ। पहले अभी कुछ नहीं डाली हूँ, ऐसे ही पीस ली हूँ, क्योंकि चीनी थी तो थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है। और एकदम स्मूथ पीसना है इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पल्प पीस करके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं, इसको डालेंगे एक कढ़ाई में, डाल करके थोड़ा देर तक उसको पकाएंगे। यहाँ पे अभी गैस का फ्लेम हाई रखे हुए हैं, जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी नहीं पकाना है फ्रेंड्स, बस 1 से 2 उबाल आने तक या 2 से 3 उबाल आने तक इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और जो मिश्रण है थोड़ा सा पकते पकते शाइनी हो जाएगा। अभी जैसा कि देख सकते हैं कि थोड़ा सा लाइट है, लेकिन तो जब ही इसको 2 मिनट पकाएंगे थोड़ा सा, तो एकदम शाइनी हो जाएगा। और साइड से भी इसको चलाते चलेंगे और लगातार चलाते हुए इसको थोड़ा सा बस पकाना है। और मिश्रण देख सकते हैं कि थोड़ा पहले से गाढ़ा भी हो गया है और शाइनी भी हो गया है और बड़े बड़े बबल्स भी आने लगे हैं। तो बस इतना ही पकाना है। और साइड में पपरी टाइप भी जम गया है, तो इससे ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है फ्रेंड्स। बस इसी स्टेज पर इसको गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे मीडियम फ्लेम से। और यहाँ पर फ्रेश कोकोनट है, ये 400 ग्राम है, इसको कद्दूकस कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते थे, लेकिन मैं ग्रेट कर दी हूँ, थोड़ा सा लच्छे लच्छे दिखेगा हलवे में, अच्छा लगेगा देखने में इसलिए। और यहाँ पर इसके छिलके को रिमूव कर देंगे, ताकि हलवा में अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए किए हुए हैं। और आम के पल्प में इसको मिला करके अच्छी तरह से थोड़ी देर तक पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। और इस तरीके से एक बार हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर आपके पास केसर हो तो 2 टेबल स्पून दूध में केसर भिगो करके कलर के लिए डाल दें। बाकी मेरे पास नहीं था तो मैं ऑरेंज फूड कलर डाली हूँ, 2 पिंच बस डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको डालने से इसका कलर देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा आया हुआ है। या तो आप कलर ना भी डालें, फूड कलर डालना हो तो ना डालें, केसर हो तो भले ही डाल दें, क्योंकि मुझे वीडियो दिखाना पड़ता है इसलिए डाली हूँ। बाकी आप घर में बना रहे हैं अपने लिए तो बिल्कुल भी फूड कलर का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इससे और ड्राई करूँगी। और दूध मावा जो भी डालना चाहें आप इसमें डाल करके बना सकते हैं। इसी स्टेज पर अगर मावा हो आपके पास तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज विदाउट मावा दूध के बना रही हूँ। और एक बार अगर बिना दूध मावा का भी बनाकर आप टेस्ट करिएगा, बहुत ही शानदार बनता है हलवा ये। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि हलवा अच्छी तरह से पक चुका है, पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर
थोड़ा सा ठीक हो गया है, बस इतना ही रखना है इसकी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको चलते हैं सर्व करने। तो इस टाइम बहुत ही पके पके मीठे मीठे आम आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा आप। इस सीज़न में इस रेसिपी को नहीं बनाए आप तो कुछ भी नहीं बनाए, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप चाहे तो पकाते टाइम भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते थे, लेकिन जैसा कि मैं बताई हूँ बहुत ही सिंपल बनाई हूँ बहुत ही कम सामान से, तो आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्पैचुले से ही इसे दबा देंगे ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगी, देखने में अच्छा लगेगा। हमारे घर में तो ये हलवा सबको बहुत पसंद आया था, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से कुछ डेकोरेट कर देंगे, अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से आप कर दें डेकोरेट, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंगो कोकोनट हलवा बनकर तैयार है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।